तरफ, जहां आज भी हमारे देश में कथित तौर पर बहुत से लोग वोट देने के नाम पर झूठ बोलते हैं और लोगों में उदासीनता का आलम भी देखा जाता है वोट के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ आज यूपी के जिले कैराना में हो रहे उपचुनाव की वोटिंग के दौरान एक ऐसी महिला नजर आई जो कि अपने पैरों से चल भी नहीं सकती है, लेकिन फिर भी लोकतंत्र के लिए उनका जज्बा देखिए कि एक शख्स की बाहों में वो वोट डालने के लिए पहुंची है। आप देख पा रहे हैं किस तरह ये महिला गोद में वोट डालने के लिए आई है। वाकई इस महिला ने उन लोगों के लिए मिसाल पेश की है जो कि वोट ना देने के लिए बहानेबाजी करते हैं। बताते चले आपको कि आज लोकसभा की 4 और विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं पूरे देश में, और अगर बात करें कैराना और नूरपुर की तो ये सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद अहम है, क्योंकि दोनों ही सीटों पर पार्टी के जीते हुए उम्मीदवार थे जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। SBN 9 न्यूज़ रिपोर्ट।